तो क्लास, अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों चलते हैं इस टॉपिक को सीखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक इमेज की, जिसमें आपको दिखाई गई है मेगा स्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक और लाइनिंग की, जो अभी अभी हमने सीखी है, जिसे हमने बोला है न्यूसेलस। तो यहाँ पर ये है हमारी मेगा स्पोर मदर सेल, और इसके आसपास कवर करता हुआ है न्यूसेलस। फिर हम बात करते हैं इस मेगा स्पोर मदर सेल में होता है डिवीजन। किस तरीके का डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। और वो रिडक्शनल डिवीजन दो पार्ट्स में होता है। सबसे पहला होता है हमारा मियोसिस वन, जिसमें हम बात करते हैं बनता है मेगा स्पोर डायाड। डायाड का मतलब होता है दो सेल्स। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख पा रहा है कि पहले हमारे पास सिर्फ एक MMC था, इसमें एक मियोसिस वन हुआ, जिससे हमारा बना मेगा स्पोर डायाड, यानी दो सेल स्टेज आ गई। फिर इसमें वापस से हम बात करें, यहाँ पर एक कवरिंग आपको दिखाई गई है, जिसमें न्यूसेलस दिखाया गया है। ये वही न्यूसेलस है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करें, इसमें वापस से होता है मियोसिस टू, यानी दूसरे टाइप का रिडक्शनल डिवीजन। और एट लास्ट बनते हैं मेगा स्पोर टेट्राड, यानी 1, 2, 3, 4 चार सेल्स आपको देख पा रहे हैं। तो एट लास्ट हमने मेगा स्पोर मदर सेल से बनाया मेगा स्पोर टेट्राड। तो हम बोल रहे हैं इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें हम बना रहे हैं मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। किस तरीके से? वाया मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। इसमें फिर हम आगे जाके बात करेंगे कि इन चारों मेगा स्पोर में से, या जो मेगा स्पोर टेट्राड है, सिर्फ एक ही, यानी ओनली वन ऑफ द मेगा स्पोर रिमेन्स फंक्शनल, और वो ही आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। बाकी के जो तीन है वो डीजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से सिर्फ एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है और वो एम्ब्रियो बनाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर हमें दिखाया गया है दो न्यूक्लिएट स्टेज, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऊपर तीन सेल्स हमारी डीजनरेट हो रही है। अभी अभी हमने सीखा है बच्चों कि जो चार सेल स्टेज हैं, उसमें से जो ये तीन सेल आपको दिख रही हैं, ये डीजनरेटिंग मेगा स्पोर है। रिमेनिंग सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर दिख रहा है, जिसके अंदर आपको ये रेड कलर के दो न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। तो जो ये रेड कलर के दो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे हैं, इसे हमने बोला टू न्यूक्लिएट स्टेज। इसके बाद फिर हम आगे देख पा रहे हैं वापस से ऊपर डीजनरेटिंग मेगा स्पोर है, लेकिन इस बार एक चेंज आया है, एक बदलाव आया है। जो दो न्यूक्लियस स्टेज थी वो कन्वर्ट हो गई है फोर न्यूक्लियेट स्टेज के अंदर। तो जहाँ पहले हमें एक फंक्शनल मेगा स्पोर में सिर्फ दो न्यूक्लियस दिख रहे थे, वहाँ पर अब आप देखिए आपको चार न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। फिर चार न्यूक्लियस के बाद फिर हम बात करते हैं, हमें मिलती है एट न्यूक्लियेट स्टेजेस, जिसमें हम बात करें चार आपको यहाँ ऊपर दिख रहे हैं और चार न्यूक्लियस आपको नीचे दिख रहे हैं। तो हम इसमें ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज है, उसमें होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म उनका डिवाइड नहीं करता है। तो साफ साफ आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे दो न्यूक्लियस से चार हुए, चार से डबल हो गए आठ, इसमें कोई साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने लिखा है नो साइटोकाइनेसिस। एट लास्ट हम बोल रहे हैं कि जब एट न्यूक्लियर स्टेज आती है, तो धीरे धीरे देखो सेल वॉल बनना चालू हो जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल वॉल बनना चालू हो रही है और सेल अपना शेप ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एट लास्ट हमने बोला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोटिक इन द फंक्शनल मेगा स्पोर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स तो होते हैं, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, पर ये आगे जाके साइटोकाइनेसिस से फॉलो नहीं होते हैं। इसलिए एक फंक्शनल सेल में, एक फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर आपको आठ न्यूक्लियस मिल जाते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो अब हमारा एम्ब्रियो सैक है वो फुली डेवलप, फुली मैच्योर हो गया है। अगर इसके अंदर हम सेल्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको ऊपर तीन सेल दिख रही हैं, जिसे हमने बोला एंटीपोडल्स।
नीचे हमें दो सेल्स मिलती है जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के पीछे और थोड़ा ऊपर की तरफ ही हमें मिल रही है एग सेल, और बीच में दो रेड कलर के जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहे हैं वो है हमारे पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट है, जिसमें आपको मिल रही है टोटल हमारी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन। यानी हम बात करें एंटीबॉडल्स हो गई 3 सेल, 2 हो गई सिनर्जिड और 1 हो गई एग सेल, और ये पोलर न्यूक्लियाई मिला के होता है एक सेकेंडरी सेल। तो यहाँ पर हम बात करें 3 सेल ये हो गई, 1 ये हो गई, 4 और 3 ऊपर यानी 7। तो जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर हमें 7 सेल्ड कंडीशन मिल रही है। पर बच्चों न्यूक्लियस कितने हैं इसके अंदर, तो न्यूक्लियस को हम काउंट करते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं रेड कलर के स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल आपको यहाँ पर 8 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, लेकिन सेल हमारी सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। तो बच्चों हम बोल रहे हैं कि जो हमारा मेगा स्पोरेंजियम है या जो ओव्यूल है उसके अंदर अभी हमने देखा था थी हमारी मेगा स्पोर मदर सेल या MMC। इस मेगा स्पोर मदर सेल ने हमारी मदद की थी मेगा स्पोर टेट्राड बनाने में, किस टाइप के सेल डिवीजन से, उस सेल डिवीजन को हमने बोला था मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो मेगा स्पोर टेट्राड है उससे डेवलप होता है एक फंक्शनल मेगा स्पोर। तो अगर हम फंक्शनल मेगास्पोर की बात करें, इस फंक्शनल मेगास्पोर ने आगे जाके बनाया था पहले 2 स्टेज, 4 स्टेज और फिर फाइनली 8 न्यूक्लिएट स्टेज कंडीशन। और हम बोलते हैं ये किस डिवीजन से हुआ था, ये हुआ था हमारे माइटोसिस या इक्वेशनल सेल डिवीजन से। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसने जो इतनी सारी न्यूक्लियस की कंडीशंस क्रिएट की थी, जो इतनी मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज डेवलप की थी, वो डेवलप की थी माइटोसिस से। और एट लास्ट हम बोलते हैं फिर ये स्टेज डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर। और इसी तरीके के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर हम इसका मीनिंग निकालें इस वर्ड को तोड़कर, तो मोनो का मतलब होता है वन, स्पोरिक का होता है स्पोर, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो फीमेल गेमिटोफाइट है या जो एम्ब्रियो सैक है वो डेवलप होता है सिर्फ एक सिंगल मेगा स्पोर से, यानी एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर होता है और वो बनाता है एक फंक्शनल एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट। बच्चों याद कीजिए हमारे पास 4 मेगा स्पोर बने थे लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट हो गए थे, इकलौता सिर्फ एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा था जिसने डेवलप किया था एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट। तो इसलिए हमने इस डेवलपमेंट को क्या नाम दिया, हमने इसे बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।